राजद के प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव ने कहा है कि पार्टी के अंदर कुछ लोग अल्पसंख्यकों के नाम पर ब्लैकमेलिंग करने का काम कर रहे हैं। राजद ने अल्पसंख्यकों के समर्थक में हमेशा ही काम किया है, लेकिन कुछ अल्पसंख्यक खुद के स्वार्थ के लिए पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे थे, जिसे लेकर उनको पार्टी से निकाला गया है। हम इसको जान भी ले रहे हैं कि क्या मामला है नहीं है, और इस तरह की मामला आपके माध्यम से आ रहा है तो हम लोग कोर कमेटी में रखेंगे, क्या है उसको देख लेंगे तभी कोई बात हम कर सकते हैं। एक बात ये भी आ रही है कि पार्टी एक के बाद एक नहीं, तो आपको शायद नहीं मालूम होगा अल्पसंख्यक के कितने हम हितैषी हैं हम जानते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक के नाम पर अगर वो डराते हैं तो ये गलत चीज़ है। और दूसरा बता दिए कि अल्पसंख्यक के हितैषी हम कैसे हैं, कल भी हमारा रंजन यादव जो युवा प्रदेश अध्यक्ष ने जाके युवा जिला अध्यक्ष गोड्डा में अल्पसंख्यक का अंजर जी को बनाए वहाँ पर जिला अध्यक्ष, तो अल्पसंख्यक सिर्फ बोलने से नहीं होगा, काम करना होगा और काम करके दिखाना होगा। अल्पसंख्यक के नाम पर किसी को आप गाली गलौज कीजिए, किसी को डराइए, तो ये कहीं से उचित नहीं है। आखिर कार्रवाई क्यों किया इस पर भी जाना चाहिए। अच्छा, जहाँ प्रदेश अध्यक्ष ने उनको हटाया है या निकाला है तो भाई प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ अपने कानों से देखा होगा, सुना होगा, तभी तो हटाया है। उनको स्पष्टीकरण दिया गया था, उनसे जवाब मांगा गया था, अब क्या जवाब दिया नहीं दिया वो कोर कमेटी में रखाया नहीं है, इसलिए कि जब रखाएगा हम देखेंगे। लेकिन किसी एक व्यक्ति को टारगेट करना तो हम नहीं समझते हैं कि उस लेवल पे हमको कुछ बोलना चाहिए अपने स्तर से। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे आदरणीय नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता युवा तुर युवा के आय माननीय श्री तेजस्वी यादव जी ने अपने संबोधन में यहाँ कहा कि राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है, कोई एक जाति विशेष की पार्टी नहीं है। और अगर कोई ऐसा कर रहा है कि अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है तो गलत है। मैं किसी मायने में अपने को तैयार नहीं हो, क्योंकि आप जिस भी कमेटी में देखें, चाहे यूथ का कमेटी हो, मेन कमेटी हो, महिला विंग हो, सारा कमेटी में आप देखेंगे तो अल्पसंख्यकों को महत्वपूर्ण पद पर रखा गया है। और किसी एक व्यक्ति के लिए अगर पूरे समाज को कोई अगर दोषित करता है तो हमको लगता है कि उचित नहीं। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।